दिल्ली के मायापुरी इलाके में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलने के बाद जहां कल एक मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जहां पर हजारों टन की तादाद में जो स्क्रैप है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। सबसे बड़ी जो बात है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं बहुत ही जो सावधानी बरतने की जहाँ पर उनको जरूरत होती है वो नदारद है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है अपनी ओर से जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी स्क्रैप डीलर्स हैं, उनको किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए जाते। जब हमने प्रशासन से संपर्क करना चाहा, जानना चाहा कि किस प्रकार की गाइडलाइंस है जो उनको इशू की जाती हैं, उनके बारे में भी उनका कोई जो जवाब था वो तसल्लीपूर्वक नहीं था। अगर लुधियाना की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हज़ारों की तादाद में स्क्रैप डीलर्स हैं जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनके पास इंपोर्ट किया हुआ स्क्रैप आता है और उनको ये नहीं मालूम होता किस प्रकार का स्क्रैप है, चाहे उनमें शेल्स होते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी निकल आता है और बड़े सारे यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं, पर जो प्रशासन है यहाँ पे सबक सीखने का नाम नहीं ले रहा। लुधियाना से गौरव वालिया, इंडिया न्यूज़।